अप्रैल 2006 चौथे महीने में मेरे शोहर को यहाँ बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया है। रॉयल होटल में 18 जनों को लेके गया और वहाँ पर लेके हमको आप लोग से पूछताछ करना है। और यहाँ पर मेरे शोहर आए थे ज्यारत के लिए, यहाँ पर मैसाना दरगाह कानोदरा में वहाँ पर ज्यारत के लिए गए थे। तो चौथे महीने में 13 अप्रैल को मेरे शोहर को यहाँ से 18 लोगों के सामने से लेके गया और 17 जने को दूसरे दिन छोड़ दिया और रातों रात मेरे शोहर को मार डाला गया और एक्सीडेंट बताया गया। और 7 दिन के बाद मुझे लाश मिला जब वो 7 लोग दूसरे दिन मेरे यहाँ पर आए। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे कोई देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं दुकान लगाती हूँ कल्याण स्टेशन पर, चश्मा बेच के अपने 5 बच्चों की पेट भरती हूँ, मगर इज्जत से रहती हूँ और इंसाफ का इंतजार कर रही हूँ। 2002 से लेके अब तक सिर्फ मुस्लिम लोग के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदू लोग के साथ क्यों नहीं हो रहा है? दूसरे कौन के साथ क्यों नहीं हो रहा है? कोई इस बात का जवाब तो दे मुझे, क्यों नहीं हो रहा है? क्या मुस्लिम होना गुनाह है? 2002 के दंगे में मेरा एक लड़का 24 साल का उसमें शहीद हो गया। और मैं क्या कहती हूँ कि हमने जब आंखों देखा, हमने हमारी जुबानी सच्ची कही कोर्ट में, तो भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करा गया कि जैसे हम आरोपी हुए। हमने सुना कानों से नरेंद्र मोदी को, जाफरी साहब ने फोन करा, आडवाणी को फोन करा, तो भी हमारे मतलब कोई बात मानने को तैयार नहीं। यहाँ की मतलब न्याय पे हमें भरोसा है, लेकिन यहाँ की सरकार पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हमारे साथ आरोपी हो। हम खुद हमारे घर चल के पैसों की हमारे साथ बात करी कि इतने पैसे ले लो, हमारा नाम निकाल लो। हमने बोला कि आज तुम्हारा हमारे को मिले वो मिले, लेकिन अब के बाद तुम्हारे को कोर्ट में मिलना। और मेन तो जो SIT है, जो SIT के बड़े है राघवन साहब, वो राघवन साहब दिल्ली से आते हैं, लेकिन हम जब जुबानी देने गए तो हमारी मुलाकात कभी राघवन से हुई नहीं। राघवन ने जो हाथ नीचे जो SIT की टीम निमी है, वो सब जैसे गोस्वामी है, सुथार साहब है, वो सब मोस्टली गुजरात के है, तो उन्होंने हमारी बात सुनी करी, लेकिन हमारे बयान में फेरफार कर दिया। यानी जो हमने लिखा है वो लिखा नहीं, अने उनकी मर्जी से जुबानी दे दी। और हमारे को कोर्ट में उसके ऊपर हमारे के साथ 1000 सवाल करे, लेकिन हम तो हमारी बयानी पे कायम थे। और हमने जो देखा, हमने कानों से सुना, हमारे सामने मेरे बेटे की कत्ल हुई, मेरे देवर की, देवरानी की, और जाफरी साहब की भी, मतलब हमारे सामने 150 से 200 फोन करे, यानी अडवाणी को, मोदी को, बदरुद्दीन शेख को, तो भी मानने को कोई तैयार नहीं। और उन्होंने फोन के कॉल के डिटेल्स ही सब मिटा दिए, ऐसे बोले कि ऐसे हम कॉल का यानी वो रखते नहीं, ऐसा करके इन्होंने फोन के कॉल डिटेल्स भी नहीं दिए। और जब हम खुद जबानी दे रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं है, तो अब ऐसी गवर्नमेंट पे हम कैसे भरोसा कर ले? मेरा नाम सुल्ताना फिरोज शेख है। मैं 2002 में हमारे देलोर गांव में रहते थे, अब 2002 से हम कालोन कासिमाबाद सोसाइटी जो नई कॉलोनी बनाई है इसमें हम रह रहे हैं। देलोर में हमारे 2002 में बहुत सा हादसा हो गया, मुसलमानों का मकान, दुकान, मस्जिद सब तोड़फोड़ के हम अभी हमारे गांव नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमारे देलोर गांव में 38 इंसान शहीद हो गए, जो हमारे घर के परिवार को 13 इंसान जो टेम्पो लेके हम अंबिका सोसाइटी कालोल आ रहे थे इसमें हमारा बहुत बड़ा हादसा हो गया था, इसमें हमारे 13 इंसान शहीद हो गए थे। जैसे खेतों में अलग अलग जुदे जुदे हिस्से से 38 इंसान शहीद हो गए थे। अभी हम सब लोग देहरोल वाले हमारे गांव में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम जो औरतें हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतने बड़े मकान में हम कैसे अकेले रह सकते हैं, इसीलिए हम हमारे गांव में नहीं जा सकते। जो हमारा 2002 से अभी केस चल रहा है, केस का हमारा जो कोई जुबान ही नहीं, कोई आगे ही नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी लड़ाई तो 2002 से अभी तक शुरू है। जो हम जो केस में आगे चला सकते हैं, लेकिन आगे कोर्ट में जुबानी नहीं हो सकती। जो हमको बुलाया जाता है ट्रेनिंग कुछ नहीं, जो हमारी जुबानी है वो तो है। एहराम गांव में जो मदीना शेख है
की जुबान हो गई थी, वो भी अभी खुले आम घूम रहे, जो कोर्ट में सब जुबानी हुई उसको सजा भी सुनाई, लेकिन वो भी 7 साल की सजा सुनाई थी, उसमें भी कुछ नहीं, हम लोगों का कुछ चला नहीं, तो भी वो ऐरान में खुले आम सभी लोग घूम रहे। ऐरान में जो मदीना नहीं आई है इसमें फिरोज भाई आए, तो 7 इंसान एक ही घर का परिवार शहीद हो गया। जो ये कहानी है हम 2002 से दोहरा सकते हैं, और अभी हम हमारे गांव में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे गांव में कोई ना इंसाफी हो रही, इंसाफ कुछ नहीं है। अभी हम कालोल कासिमाबाद में रह रहे, कासिमाबाद में जिस कॉलोनी है उसमें भी कोई सुविधा नहीं है, हम बहुत तकलीफ में जी रहे हैं, लेकिन क्या करें, जो शहीद हो गए, जो हमारे आज ही शोहर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पापा मिल करके हो गए, तो हम कैसे आगे निकल सकते हैं। जो हमको इंसाफ नहीं मिला अभी तक, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नाम अभिनय याकूब है। 2002 में हमारे गांव में मस्जिद दिखाई, हमारे मकान तोड़ फोड़ दिए, हम हमारा जीव बचाने के लिए हमारे खेत में चले गए, एक दिन एक रात रुके, फिर उधर भी हमारे साथ तलवार सब तैयारियाँ लेके उधर से हमको भगाया, और हम टेम्पू में बैठ के कालोल आ रहे थे, तो रोड पर रेती के पीप भरे हुए थे और एक मारुति कार रखी हुई थी, और हमारा टेम्पू पलटे खा गया। जिस आदमी एक एक करके निकलते थे उसको तलवार से काट दिया जाता था, और मेरा शौहर टेम्पू में से निकला और इसको पेट्रोल डाल के मेरे सामने जिंदा चलाया, और बोलते रहे बचाओ बचाओ, तो मैं उनको बचाने के लिए गई, तो मेरे को तलवार से जमीन में गिरा दी, और अभी तक हमें इंसाफ की राह देख रहे हैं कि हमको न्याय मिले, लेकिन हमारा केस अभी हमारी जुबानी नहीं हुई है, तो सब मिलके हमारे को इंसाफ दिलाओ। केरल के अंदर मेरी मम्मी पापा और भाई बहन और मेरी औरत को मार दिया गया था, मेरे ग्रैंडफादर नाना नानी और मेरे लड़के का दाहिने हाथ का अंगूठा काट डाला था। उस टाइम पे मैं इंदौर गया हुआ था गाड़ी लेके, वो मैं घर पे नहीं था। उस केस में जो भी हमारे गुजरात में केस चला था उसमें 11 आदमी को सजा हुई थी, इनमें से 8 आदमी को उम्र कैद की सजा हुई थी और 3 आदमी को 3-3 साल की सजा हुई थी। जो आदमी को गुजरात के कोर्ट के अंदर केस चल रहा था उस टाइम पे जमानत नहीं मिली थी, उन लोगों को गुजरात कोर्ट ने फिर 8 साल की सजा दी, तो हाई कोर्ट ने उनको जमानत पर भी छोड़ दिया है और वो गाँव के अंदर खुले आम घूम रहे हैं। इसके लिए हमें उम्र एक आदमी को मारने की भी सजा उम्र कैद होती है, और 1000 आदमी को मारेंगे तो भी गुजरात कोर्ट में कोई फांसी देने वाली नहीं है और उम्र कैद सजा मिलेगी। इसके डर से हमको हेरल गाँव में हम रह नहीं सकते, इसके लिए मैं अभी हेरल छोड़ के कालो गाँव के अंदर रहता हूँ, और अभी हमने उनकी जमानत कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए, लेकिन अभी कुछ उसका ठिकाना हुआ नहीं है, और खुलेआम अभी गांव के अंदर सब आरोपी घूम रहे हैं। मेरे कुटुंब के 15 मानस थे, अंदर कोई बच्चा नहीं है, खाली मार के लिए मैं काम के चुम मोतेर मानस
माँ बाप ने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमारे माँ बाप ने किसी का थोड़ी बिगाड़ा था, मजदूर मेहनत करते थे हमारे माँ बाप, किसी का कहीं नहीं बिगाड़ते थे। अरे मेरे माँ बाप ने हम पे एहसास होता है, जवान जवान दो बहने थी, भाई था, चाचा कुटुंब के सबको मार डाले, कुछ कोई नहीं बचा, खाली मैं अकेली रह गई, किसी का सहारा भी नहीं है, मेरे माँ बाप ने छीन लिया सब कुछ, छीन लिया।